बाबा राम रहीम के डेरा का सर्च का शुरू हुआ राज दर राज खुलते ही जा रहे हैं। बाबा राम रहीम के डेरा में रिजर्व बैंक की करेंसी नहीं चलती थी, बल्कि बाबा की बनाई प्लास्टिक करेंसी चलन भी थी। बाबा इस कदर पैसे की लेन देन करता था जिसमें भारत सरकार की मुद्राएं कुछ भी नहीं थी। सिरसा में डेरा सच्चा सौदा के मुख्यालय में तलाशी अभियान में कुछ कैश बरामद हुआ है। दो कमरे सील कर दिए गए हैं, कुछ हार्ड डिस्क भी मिली है। इसके साथ ही गुरमीत राम रहीम के डेरे से प्लास्टिक की करेंसी भी मिली है जो यहाँ चलती थी। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के नियुक्त किए गए कोर्ट कमिश्नर की निगरानी में तलाशी अभियान चल रहा है। तलाशी अभियान को 10 भागों में बांटा गया है। इस अभियान के लिए एसपी रैंक के अधिकारियों की 10 टीमें बनाई गई हैं। राज्य पुलिस, अर्धसैनिक बल, आरएएफ के जवान, बम निरोधी दस्ता, दंगा निरोधी बल और दमकल की गाड़ियां भी अंदर गई हैं। इसके अलावा सेना की 4 टुकड़ियों को रिजर्व रखा गया है। डेरे का कैंपस करीब 700 एकड़ का है, इसलिए इस तलाशी अभियान में काफी समय लग रहा है। पूरे तलाशी अभियान की सीलबंद रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंपी जाएगी। न्यूज एक्सप्रेस की रिपोर्ट।